अगर आप अपना जियो का फ्री में रिचार्ज करवाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने फ़ोन का सारा डिटेल किसी हैकर को, किसी फ्रॉड को दे देना होगा और आपका रिचार्ज भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हो, इन हैकर्स के चक्कर में पड़ जाते हो और आपका पूरा डिटेल उनके पास चला जाता है। आपका पूरा बैंक का डिटेल, एटीएम कार्ड का डिटेल वो चुरा लेते हैं, जिससे आपका रिचार्ज भी नहीं होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा चूना लग गया होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको पूरा इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको फ्रॉड किया जाता है आपके ही व्हाट्सएप से। तो हेलो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट राहुल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज के इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको ज़रूर ये मैसेज आया होगा कि इस लिंक पर क्लिक करो और आपका जियो का फ्री में रिचार्ज हो जाएगा। तो आपको बता दूँ कि कोई भी फ्री में रिचार्ज नहीं होता है, आपको फ्रॉड किया जाता है। आपको कैसे फ्रॉड किया जाता है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना होता है और वहाँ पर अलाउ जैसे ही आप कर देते हो तो आपका पूरा फ़ोन का डिटेल उनके पास चला जाता है और उस फॉर्म के भरने के बाद आपको 5 या 10 बंदों को भेजना होता है उस लिंक को। तब बाकी आप उस लिंक को भेजते हो, 10 लोग को भी भेज देते हो, तब भी आपका रिचार्ज नहीं होता है और ऐसे में उनका जो वेबसाइट होता है, जो लिंक आप भेजे रहते हैं, वो लोग आपके व्हाट्सएप पर वो वायरल हो जाता है। सोचिए कि अगर आपने 10 बंदे को भेजा या फिर 5 बंदे को भेजा, उसमें से 3 बंदा भी किसी दूसरे को भेजा, फिर वो दूसरे को भेजा, तो वैसे में उनका वायरल हो जाता है और वे अपने वेबसाइट पर गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह लगाए होते हैं, जिससे उनको बहुत ही मोटी कमाई हो जाती है, बहुत ही अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं और बाकी आपका डिटेल भी चुरा लेते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड का डिटेल, आपके फ़ोन का पूरा डिटेल उनके पास चला जाता है। हो सके तो इन सब से बचो ताकि आपका कोई भी फ्रॉड ना हो, ताकि आपका उनके पास कोई भी डिटेल फ़ोन का ना जाए। बाकी आपको कोई भी जियो से रिलेटेड न्यूज़ या फिर ऑफर्स वगैरह देखना हो तो माई जियो ऐप में जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी सेलिब्रेशन पैक या फिर कोई भी वाउचर मिला रहेगा तो आपको माई जियो ऐप में मिल जाएगा। बाकी आप ऑफिशियल जियो के ऑफिशियल साइट से भी जाकर चेक कर सकते हो कि कब कब फ्री में मिल रहा है। आई नो, जानता हूँ कि कभी कभी जियो फ्री कर देता है कुछ ऑफर्स, सेलिब्रेशन पैक कभी कभी मिलता है, मगर इतना भी मत आप पागल हो जाओ कि आप अपना पूरा डिटेल सारा दूसरे फ्रॉड को दे दो ताकि आपका कोई भी चूना लग जाए और आप बोलो बाद में कि मेरा अकाउंट से इतना पैसे कहाँ से कट हो गए। तो आप अवेयर रहो पहले से ही। आप अगर किसी भी प्रकार का लिंक आता है तो पहले उसके बारे में रिसर्च करो, तब फिर जाकर उसमें लॉगिन करो। बाकी मैं आपको जियो के कुछ नए प्लान्स बता देता हूँ। जियो ने अपना कुछ नया प्लान्स एक्सपांड किया है, जैसे कि 51 रुपये वाले में मिलता था हमें 3 GB पहले नेट मिलता था, अब हमें मिलता है 6 GB और उसके साथ मिलता है हमें 500 मिनट जियो टू ना जियो। और वैसे ही 101 वाले पर पहले में मिलता था 6 GB, अब मिलता है हमें 12 GB का नेट पैक एड ऑन डाटा, ओके, और उसके साथ मिलता है 1000 मिनट जियो टू ना जियो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप इस वीडियो से थोड़ा सा अवेयर हुए होंगे कि किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक करने से पहले उसके बारे में हमें पता कर लेना चाहिए कि किस प्रकार का लिंक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।